नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं किसी एक्सेल या वीवी या माइक्रो के टॉपिक पे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं नया बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड, कि अगर नई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड आपको लोन्स, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है इसके बारे में। तो उसके लिए चलिए हम वेबसाइट खोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। ये आपको खादी इंडिया के तहत चलता है, जिसकी वेबसाइट आप पे जाएंगे तो उसकी वेबसाइट यहाँ पे आता है kvconline.kviconline.gov.in पे जाएंगे। खादी इंडिया का है साइट है, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा। और ये किससे रजिस्टर्ड है? ये रजिस्टर्ड है आपका MSME, लघु एंड सूक्ष्म उद्योग, मतलब भी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का है, इससे लिंक्ड है। तो इस पे सबसे पहले तो इस पे आप जो है एक ट्रेनिंग लेना जरूरी है इसमें। जैसे कि ये देखिए आपका दिख रहा होगा ऑनलाइन EDP ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो EDP ट्रेनिंग लेना जरूरी है। मतलब कि इसमें आपको जो है ऑनलाइन आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, इन चीजों पे आपको बताया जाएगा। तो इसकी जो साइट है वो है उद्यमी, UDYMAI.org.in। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम खुल के आएगा। इसमें ट्रेनिंग एक तो एक बेनिफिशियरी है उनके लिए भी है, या जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी है। बस आपको यहाँ EDP प्रोग्राम अदर पे जाना है और इसकी डिटेल्स को आपको फिल कर, इसकी लॉगिंग और बाकी जो चीजें हैं उन चीजों पे आप अपनी जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन देखें कि इस कोर्स में क्या क्या है, तो इस कोर्स में आपको दिख जाएगा कि इस कोर्स में क्या क्या है। ये प्रोग्राम ओरेशंस है, स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। और यहीं पे आप जो है यहीं ये तो प्रोग्राम जब हो जाएगी उसके बाद यहीं पे आप बैंक और गवर्नमेंट से जो सहायता है उसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, बेनिफिट्स क्या-क्या देगी गवर्नमेंट रोजगार सृजन योजना में, तो देखिए इसमें आपको 25 लाख तक का आपको विनिर्माण और 10 लाख के लिए सेवा इकाई के लिए आपको वित्तीय सहायता, मतलब कि फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है। तो बिना मतलब कि कोई चीज प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो 25 हजार का है, अगर कोई सेवा देना चाहते हैं तो 10 लाख तक है। 10 लाख तक है, यानी कि 25 लाख ही मिलेगा। वो एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भूमि का, कोई लैंड का कोई जरूरी नहीं है, मतलब कोई लैंड बाउंड मॉर्गेज नहीं होगा आपका। अब इसमें आपको शहरी इलाका में आपको 15% और ग्रामीण इलाका में 25% जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। देखिए सब्सिडी, और इसके भी अलग अलग है। इसमें आपको अगर विशेष कोई है जैसे अनुसूचित जाति है, और यहाँ पे कोई ऐसी जो रिजर्वेशंस है उनके लिए शहरी में 25 और ग्रामीण एरिया में 35% का सब्सिडी दिया जाता है। इसमें बस आपको अपना 10% पूंजी लगाना हो। जैसे मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए 10 हजार रुपये, 1 लाख रुपए की व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको 90% ही फाइनेंस करवाएगी, 10% आपको खुद से लगाना पड़ेगा। और इसको कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी उद्यमी, संस्थाएं, शहरी विकास सहायता समूह, ट्रस्ट, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया गया है, कर सकता है। और कौन आपको फाइनेंस कौन करेगा, पैसा कौन देगा? तो 27 सार्वजनिक बैंक आपको देंगे। जी हाँ, मतलब कि सरकार बैंक को भेज देगा, बैंक आपको देगा। सरकार बैंक को रिस्क लेगा, सरकार खुद का रिस्क लेगा और बैंक को बोलेगा लोन देने के लिए।
इसमें आपको 3 साल के भीतर जो है कैश क्रेडिट 100% होना चाहिए, कम से कम औसतन स्वीकार की राशि का 75% से कम नहीं होना चाहिए। ये 3 साल जो है आपको एक बार कैश क्रेडिट कर दीजिए, मतलब कि फिर वापस मिल जाएगा आपको। इसके बारे में डिटेल और पढ़ेंगे। तो इसकी जो पूरी सूचना आपको जो बताया था प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है, इस पे आपको मिल जाएगा। मैंने जैसे बताया था आपको, हाँ जो साइट्स है आपका, इस साइट्स पे आपको मिल जाएगा अभी जो मैंने समझाया। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो जाइए फटाफट खोलिए, और कोई रोजगार करना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा। आप रोजगार में अब क्या क्या हो सकती है, क्या क्या प्रोजेक्ट होंगे, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में चीज तो आपको बताई जाएगी। लेकिन अगर आप एमएससी एससी की साइट पे जाते हैं तो वहां पे यहाँ आपको बहुत सारे ये मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स मिल जाएंगे, केमिकल, ग्लास, बिजनेस, फूड, सब चीज से आपको मिल जाएगा। मान लो फूड प्रोडक्ट पे जाते हैं तो इसमें 25 प्रोजेक्ट दी गई है कि कौन सा प्रोजेक्ट में क्या क्या लागत होगा, कैसे कैसे बनेगा, ये सारे चीज आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप ब्रेड हो गया, कैनन स्कैन हो गया, कोकोनट सी हो गया, फिश हो गया, हैचरी हो गया। मान लो आप हैचरी खोलना चाहते हो तो हैचरी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ये रहा हैचरी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, क्या खर्चा होगा, प्रोजेक्ट बनाने में आपको बेनिफिट होगा, और कब कब क्या आपका लगेगा, कितने महीने का होगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। कहाँ से मशीन लोगे, मशीन और जो जो आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, कौन कौन प्रोवाइडर्स हैं, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके फोन नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पूरी सहायता आपको एमएससी एससी करेगी। डिटेल जानकारी के लिए आप विजिट करें। मुझे लगा कि जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी, तो मुझे एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।